हिमाचल की राजधानी शिमला के रिज मैदान पर ग्रामीण विकास विभाग की ओर से फूड फेस्टिवल लगाया गया। मंगलवार को हिमाचल सरकार के चीफ सेक्रेटरी आरडी धीमान ने इसका शुभारंभ किया। यहां पर प्रदेश के 12 जिलों से अलग अलग स्वयं सहायता समूह से शामिल महिलाओं ने खाने पीने के स्टॉल के अलावा हाथ से बने उत्पाद भी यहाँ पर बेचने के लिए रखे हैं। रिज मैदान पर शुरू हुए इस फूड फेस्टिवल में मंडी की कचौरी, अपर शिमला का सिड्डू, कांगड़ा का मद्रा, शिमला सोलन का अमला कद्दू, मालपुड़ा खीर, मीठा कद्दू, मीठा बदाना, मक्की की रोटी, मक्की का परांठा सहित कई अन्य पकवान लोगों को मिलेंगे। खास बात यह है कि ये सभी पारंपरिक व्यंजन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से बनाए जा रहे हैं। फूड फेस्टिवल के शुभारंभ अवसर पर रिज मैदान में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नाटी भी डाली गई। इसमें पर्यटक भी खूब थिरके। वहीं इस पर चीफ सेक्रेटरी आरडी धीमान ने कहा कि इस तरह के उत्सव से पारंपरिक व्यंजनों को प्रोत्साहन मिलता है, यही नहीं स्वयं सहायता समूह को भी इसका फायदा पहुँचता है। देखिए, ये ग्रामीण विकास विभाग का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे फूड का फेयर लगाया गया है। इसमें महिलाओं को दूर दूर से आने का अवसर मिलता है, उनकी उनको एक अपने प्रोडक्ट को दिखाने का और मार्केट का एक ओकेजन मिलता है, मार्केट का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। और ये मैटर ऑफ ग्रेट सेटिस्फेक्शन के कुल मिला के प्रदेश में 40,000 ग्रुप्स ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और उनको कुल मेंबरों की संख्या 2,80,000 के करीब है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब हर व्यक्ति को, हर महिला को इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के साथ जोड़ना, उनको ऐसे अवसर प्रदान करना, ये विभाग का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इससे बहुत लाभ होगा। एक तो टूरिस्ट को भी फायदा होगा, उनको एक अपनी कल्चर को टूरिस्ट तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। फूड आइटम्स जब लोकल जो होती हैं उसको टूरिस्ट बड़ा पसंद करते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है जहाँ पे ग्रुप्स के लिए इतनी ऐसी मार्केटिंग का अवसर प्रदान होगा। थैंक यू। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको आजीविका के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए विभाग सरस मेले और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। इस बार हमने ये 10 दिन का रिज मैदान पर एक मेला, एक हिम ईरा फूड कार्निवल का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत 12 अलग अलग जिले जो हिमाचल प्रदेश के हैं उन सभी 12 जिलों से हमने टीम्स बुलाई हैं, ताकि जो इन 12 जिलों की जो ट्रेडिशनल जो डिशेज हैं, जो खाने हैं, जो पकवान है, जो व्यंजन है, वो ये देश विदेश से जो टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं उनको परोसेंगी, इनकी आजीविका भी बढ़ेगी और जो टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उन्हें हिमाचल के व्यंजन का भी पता चलेगा। ये कितने दिन चलने वाला है सर? ये आज 20 तारीख को, 20 दिसंबर को शुरू हो रहा है और ये 30 दिसंबर तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।